हेलो गाइस, तो यार कैसे हैं आप सब लोग। और यार आज की ये जो वीडियो होने वाली है ना, पूरी सक्सेस के ऊपर होने वाली है कि ऑल अबाउट सक्सेस के बारे में मैं आपको बात करूंगा, क्या 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 आपको मतलब रिकॉल में हेल्प कर सकता है। तो बेसिकली हम एक गन सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि मेरी फेवरेट गन M416 ले लेता हूँ मैं, एंड इसकी थोड़ी बुलेट्स भी ले लेते हैं, एंड एक लेवल 3 का बैकपैक ले लेते हैं, प्लस एक लेवल 3 की वेस्ट ले लेते हैं जिससे कि हमारी स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाए एंड हमें एक बारी में ज़्यादा बुलेट कैरी कर ले, जिससे कि आपको बार बार मुझे बुलेट्स कैरी करके ना दिखाना पड़े, है ना। तो सिंपली अब हम बुलेट्स कैरी कर लेते हैं और एक लेंगे हम 6x का स्कोप एंड हम बुलेट कैरी कर लेते हैं सिंपली। तो यार माफ़ी चाहूँगा यार, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा है ना। तो इस वीडियो पे एम करते हैं यार 5 लाख का, उम्मीद करता हूँ यार आप करा दोगे जल्दी से जल्दी, है ना। और यार बस सपोर्ट करो आप लोग और आपका भाई आपको ऐसे ही वीडियोस देता रहेगा। एंड सिंपली अब बात कर लेते हैं और एक 6x लेते हैं यार, है ना। तो भाई सबसे पहले हम मैटर पे बात करते हैं कि आपको रिकॉइल कंट्रोल कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको उसके अटैचमेंट सही होंगे, तो हम थंब ग्रिप ले लेते हैं सबसे पहला, क्योंकि ये रिकॉइल को काफ़ी हद तक कम कर देता है। M416 का स्टॉक ले लेते हैं एंड एक कंपलसेटर ले लेते हैं, एंड उसके बाद हम एक क्विक ड्रॉ मैग ले लेते हैं जो कि एक्सटेंडेड वाला है, जिससे कि हमारी बुलेट्स की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, मतलब एक बारी में रिलोड ज़्यादा हो जाएगा एंड रिलोड इंक्रीज भी हो जाएगा रिलोडिंग टाइम, है ना। क्यों ज़्यादा ही बोल रहा हूँ मैं, है ना। तो सिंपली अब आप सबसे पहले हम बात करते हैं, मतलब आपको खड़े होकर चलाना है मान लो 6x, तो भाई नहीं चल पाएगा आपसे क्योंकि ज़्यादा बंदा अगर दूर होगा तो आपको उसको 3x में कन्वर्ट कर लेना है ना। और आप देखिए रिकॉइल कितने अच्छे से कंट्रोल हो रहा है। एंड यार नेक्स्ट वीडियो जो होगी ना इस ADS सेटिंग के बारे में, है ना, क्यों कौन सी बेस्ट रहेगी आपका फ़ोन के हिसाब से, टच रिस्पॉन्स क्या है, तो सब के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। तो देख सकते हैं एकदम स्मूथली रिकॉइल कंट्रोल है, ये तो पास की बात है यार, मतलब इतना तो हम बिना एम लिए भी पहन सकते हैं बंदे को, मतलब स्कोप लिए है। बट अगर हम दूर की बात करें तो देख लीजिए ये भी बड़े प्यार से कंट्रोल हो रहा है, बट ये जो वर्टिकल वाला होता है ये तो हम कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल वाला जो होता है ये थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि रैंडम भी होता है भाई, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारी पॉज से बाहर है ना, ये जो हिलती है ना राइट टू लेफ्ट, तो ये हम नहीं कर सकते इसको कंट्रोल। सीधी साहब मैं बात बोलता हूँ, तो देखिए 25 मीटर दूर भी मतलब आराम से हो रहा है भाई रिकॉल कंट्रोल, मतलब 3-4 गोली में बंदा तो खत्म हो जाता है वैसे, अगर ज़्यादा ही लेवल 3 हेलमेट है तो ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 गोली मारने पड़ेंगी बंदा खत्म, है ना, इतनी ही होती है मतलब। तो देख सकते हैं रिकॉल तो एकदम बढ़िया करके कंट्रोल हो रहा है, अब भाई ये सूट बदलना चाह रहा है बंदा, है ना, तो उसको सूट दे देते हैं हम अपना। तो देखिए एकदम मक्खन की तरह रिकॉल कंट्रोल हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो देखो ये मुझे दिखा भी रहा है, भाई ले ले यार जो सूट चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, सूट तो मेरा ही है वैसे परमानेंट, तो देख सकते हैं आप, है ना। तो अब हम मतलब 45 पे आ जाते हैं, तो देखिए अब थोड़ा थोड़ा मतलब हमारी गोलियाँ जो है चिरने लगी, मतलब बहुत ज़्यादा कपकपाने लगी हमारी गन 3x पे भी, क्योंकि ज़्यादा गैप आ चुका है। और 3x पे गाइस ये बहुत अच्छा रिकॉल कंट्रोल हो रहा है, अगर आप 6x पे देखोगे ना तो मतलब ऐसा है आपकी गन जो है ना हवा में भागी। तो उसके लिए एक सोल्यूशन, आप क्राउच कर जाओ, क्राउच कर फायर करो, काफ़ी हद तक जो है आपका रिकॉइल कंट्रोल हो जाएगा, है ना, काफ़ी कम गाइस आसमान को छुएगी गन, कहने का मतलब ये है काफ़ी कम कपकपाएगी, इतने में आप बंदे को आराम से फिनिश कर दो। तो देख सकते हैं आप, है ना। अब आ जाते हैं हम थोड़ा और बढ़ा लेते हैं कैपेसिटी को, तो देखिए और ज़्यादा गन कपकपाने लगी है, मतलब एक सार नहीं चल रही है, कहने का मतलब ये है, है ना। तो आपको करना क्या है, सिंपली सारे अटैचमेंट्स लगा लेनी है, कंपलसेटर तो ज़रूर लगाना, काफ़ी हद तक रिकॉइल में फ़र्क डाल देता है कंपलसेटर, सप्रेशर मत लगाना भाई लोग, उससे मुझे लगता है डैमेज कम होता है ना, बट पबजी ने क्लियर किया कि डैमेज नहीं कम होती मतलब सप्रेशर से, कोई ऐसे ही होता है मतलब आवाज़ को करने के लिए, बट मुझे पसंद नहीं भाई, तो मैं कंपलसेटर यूज़ करता हूँ जिससे कि भाई मुझे अंदाज़ा रहे आवाज़ का, है ना। तो अब मैं सारे अटैचमेंट निकाल देता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या होता है भाई अटैचमेंट्स हटा कर, है ना। बहुत से बंदे सोचते हैं ना अटैचमेंट कुछ करते नहीं है, बट मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है अटैचमेंट हटा कर। ये देखो भाई रिकॉइल कंट्रोल ही नहीं हो रहा, गन फड़फड़ा रही है इतना। तो आपको अगर रिकॉइल कंट्रोल करना है ना तो सारे अटैचमेंट्स आपके पास होने चाहिए, है ना। तो अब मैं इसको मतलब दिखाता हूँ, देखो गन कैसे कपकप आ रही है, क्राउच कर फायर कर रहा हूँ, और क्राउच कर फायर करना गाइस बहुत अच्छी हैबिट है, बिकॉज ये आपका रिकॉइल बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर देती है, एंड अगर आप लेट कर प्रोन अगर करते हो ना तो भाई ज़ीरो है रिकॉइल, मतलब ज़ीरो नहीं होता, लगभग आपको कंट्रोल तब भी करना पड़ता है, बस 10-12 रिकॉइल रहता है मेरे हिसाब से, 10 तो रहता ही रहता है, क्योंकि 100% तो रिकॉइल भाई कंट्रोल आपको खुद ही करना पड़ेगा, यानी अगर आप वो भी कर लेते हो तो बिल्कुल ऐसी लेज़र की तरह जाएगी आपकी गन एकदम सीधी, है ना भाई लोग, है ना। तो देख लो कि क्योंकि 100 मीटर का डिस्टेंस है, तो उतने में तो आप आराम से बंदे को पेल दोगे 4-5 गोली में, और अगर आप मतलब इस साइड हो पहाड़ के ऊपर हो और बंदे नीचे से आ रहे हो तो भाई आपके हाथ में ये समझो गेम, है ना। तो भाई लोग आप देखो, चलो फिर आगे चलता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ रिकॉइल। एंड यार अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है ना तो यार लाइक मार दो इस वीडियो पे, एम करते हैं यार 5 लाइक्स का, यार उम्मीद करता हूँ यार आप करा दोगे यार 5 लाइक्स के जल्दी।
तो चलिए फिर हम बुलेट्स भर लेते हैं एंड फिर आपसे मिलते हैं आगे। Expectations, they keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside.